ਜੋ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਗਲਿਆਂ ਬੀਬੀ ਖਾਲੜਾ ਹਰਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਪ ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੇਮੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਬਾਈ। ਜੇਮੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਲਜੀਤ ਬਾਈ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। रिसेंटली फेमस सिंगर एंड एक्टर दिलजीत दोसांझ ने चमकीला की बायोपिक में काम किया और उस मूवी को काफी अच्छा रिस्पांस मिला। द फिल्म लिटरली गॉट 4.9 रेटिंग आउट ऑफ 5। रिव्यूज और रिएक्शंस भी काफी अच्छे मिल रहे हैं एंड द फिल्म डिजर्व्स इट, क्योंकि उसमें म्यूजिक, एक्टिंग, डायरेक्शन सब कुछ वर्ल्ड क्लास था। बट आज हम इस फिल्म की बात नहीं करेंगे, आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं वो भी दिलजीत दोसांझ की ही है। इट्स ऑल्सो अ बायोपिक और चमकीला मूवी से पहले ही उसकी शूटिंग खत्म हुई थी, लेकिन उसको अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट पंजाब 95, जो कि शहीद जसवंत सिंह खालड़ा जी की बायोपिक है। अभी इसके पीछे ਪੰਜਾਬ 95 ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ, ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਇਹ ਆ। क्या राज है कि फिल्म की शूटिंग खत्म हुए 2 साल हो गए लेकिन अभी तक फिल्म को रिलीज नहीं किया गया? क्या ये मूवी कभी व्यूअर्स तक पहुंच पाएगी या नहीं, ये काफी बड़े सवाल हैं। बट डोंट वरी, आज आपको इनका जवाब मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो पर्सनली पंजाब 95 मेरे लिए काफी स्पेशल मूवी है जिसका मैं काफी टाइम से वेट कर रही हूँ, बिकॉज शहीद जसवंत सिंह खालड़ा मेरे आइडल हैं। अगर आप मुझसे पूछो व्हाट इंस्पायर्स मी, आई वुड से हिज लाइफ स्टोरी डज। तो जिनको उनके बारे में नहीं पता मैं ब्रीफली बता देती हूँ। जसवंत सिंह वो असली हीरो सी के कौम दे, बैंक एम्प्लॉय थे जिन्हें पंजाब के हालातों को देखते हुए एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनना पड़ा और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। अगर हम सिख जेनोसाइड की बात करें तो मोस्टली लोगों को ऑपरेशन ब्लू स्टार और दिल्ली के एंटी सिख रायट्स के बारे में पता होता है, लेकिन पंजाब में जो इंसर्जेंसी के टाइम CPRF और पुलिस ने हजारों इनोसेंट सिख लोगों को मास स्लॉटर किया, उसके बारे में आज भी कई लोगों को नहीं पता। तो पंजाब में ड्यूरिंग 1980s एंड 90s ऐसा माहौल था कि अगर पुलिस को कोई भी सिख जिसने हाथ में कड़ा और सिर पे टर्बन पहनी हो मिल जाता, उसे पकड़ के फेक एनकाउंटर में मार दिया जाता था और बाद में बोला जाता कि वो तो खालिस्तानी था। ऐसा सही गल है यार, हुण खालिस्तानी या मतलब कोई भी आतंकवादी हुए या कुछ भी आ, वो किसी के मत्थे ते तां नहीं लिखा हुंदा है ना, वो तो हुण पुलिस ने बनाउणा गा, किसी नूं कुछ भी बना सकदी है ना वो। ते उदों मतलब जे देखा जावे तां जिहड़ी उहनां दे हत्थ च भी कुछ नहीं सीगा है ना, क्योंकि सरकार ही इह चीज़ करा रही सीगी, जिहड़े वड्डे ऑफिसर सीगे है ना उस टाइम दे, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਔਡਰ ਦੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰਨੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀਗੇ। बोल के हजारों ही इनोसेंट लोगों को पंजाब में मारा गया, इनफैक्ट 13-14 साल के बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा, उनके भी इनकाउंटर्स हुए जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। और ये सब इंडिया में ओपनली हो रहा था, काफी सालों तक होता रहा, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। और बोलते भी कैसे, कंप्लेंट किसके पास करते, क्योंकि जो पुलिस लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है वही ये फेक इनकाउंटर्स कर रही थी। लेकिन ऐसे में एक ऐसा ब्रेव इंसान सामने आया जिसने ठान ली कि वो इस चीज को एक्सपोज करेंगे, वो भी प्रूफ के साथ, और उन्होंने किया भी। पूरे वर्ल्ड में उन्होंने पंजाब की ग्राउंड रियलिटी और इंडिया की डेमोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया, वो भी विद प्रूफ्स। वो इंसान थे जसवंत सिंह खालड़ा, उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि पंजाब के लोगों के क्या हालात हैं और इस चीज की कीमत उन्हें अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। मेरे हिसाब ना जी शायद टोरंटो च हुई सी, कनेडा जी हुई सी कि मैं पता भी किहड़े शहर च, पर शायद आही वह लास्ट स्पीच हैगी उन्होंने, उदू बाद जो इंडिया आए थे तो मतलब वह गैब करता उन्होंने। इन्फॉर्मेशन पब्लिक करने के कुछ दिन बाद ही पुलिस उनको उनके घर से लेके गई और उसके बाद वो कभी घर वापस नहीं आए, बिकॉज ही वॉज टॉर्चर्ड एंड मर्डर्ड बाय द पुलिस ब्रूटली। और उसके बाद उनकी डेड बॉडी को हरी के पत्तन लेक में फेंक दिया गया। सो दिस वॉज द स्टोरी, ही डाइड फाइटिंग फॉर ह्यूमैनिटी, इसीलिए आज उनके नाम के साथ शहीद लगाया जाता है। पंजाब 95 फिल्म इसी स्टोरी को डिटेल में कवर करने वाली है। जसवंत जी की वाइफ परमजीत कौर खालड़ा, वो भी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वो चाहती
थी कि अगर उनके हस्बैंड की लाइफ पे कोई स्टोरी बने तो उसे सिर्फ एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ना बनाया जाए, बल्कि जो रियलिटी है उसे उसी तरीके से दिखाया जाए फिल्म में, ताकि यार एक चीज होर मैं कहनी चाहूंगा इतने है ना, देख ला हूँ बीबी खालड़ा जी है ना जो बोटा च खड़े हुए है ना, भी उन्होंने भी नहीं जताया सिद्धू मूसेवाले बाई ने भी आपके गाने के गल की है ना, इन दोगलिया बीबी खालड़ा हराई है ना, मतलब उन्होंने तो अपने लिए इन्ना इन्ना कुछ किया है ना, शहीद हो गए है ना, उन्होंने लिए आप वोट भी नहीं पा सके है ना, सो बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाली गल है, बहुत ज़्यादा शर्म वाली गल हैगी ये कि लोगों को सच्चाई पता चले। इसलिए उन्होंने पंजाब 95 मूवी की सारी स्क्रिप्ट पहले खुद पढ़ी, उसके बाद ही शूटिंग की परमिशन दी गई। अगर हम बात करें मूवी की तो इसे डायरेक्ट किया है डायरेक्टर हनी त्रिहान ने, और उन्होंने कास्टिंग में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेन लीड में तो दिलजीत हैं ही, लेकिन उनके अलावा अर्जुन रामपाल, जगजीत संधू और सुविंदर विक्की भी हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर ब्रिलियंट एक्टर्स। 2022 में फिल्म की शूटिंग खत्म हो गई थी एंड फिल्म वॉज कम्प्लीट। उसके बाद बारी आती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से सेंसर सर्टिफिकेट लेने की, और मेन प्रॉब्लम भी वहीं पे आई। CBFC ने 6 महीने तक फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया, डिले करते रहे, और जब 6 महीने के बाद सर्टिफिकेट देने की बारी आई तो पहले तो उन्होंने फिल्म का नाम चेंज करवाया। ओरिजिनल नाम फिल्म का है कल्लूकारा, पंजाबी में इसका मतलब होता है मैसेकर, विच डिफाइंस द मूवी कम्प्लीटली, लेकिन बोर्ड ने बोला ये नाम चेंज करो और फिल्म मेकर्स ने कर दिया। उसके बाद फिल्म को 18+ की रेटिंग दी और 21 कट्स मूवी में लगाने को बोला गया, यानी कि बोर्ड चाहता है कि 21 सीन्स को या तो मूवी में से डिलीट कर दिया जाए या उन्हें एडिट करके दिखाया जाए। विच रह की जाऊगा यार फिर मूवी दे विच है ना, 21 सीन ही जो खत्म करते फिर तो खत्म ही है खेड़ा, फिर ओरिजिनल की रह जूगी चीज। बिजार, मतलब आप खुद सोचो अगर 2 घंटे की मूवी में 21 सीन्स को एडिट कर दिया जाएगा तो उसमें क्या सच्चाई बचेगी। फिल्म मेकर्स को भी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए जो मूवी के प्रोड्यूसर हैं रॉनी, उन्होंने CBFC के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करी है। अभी तक डिसीजन नहीं आया, बट होपफुली जल्दी ही आ जाएगा। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि यार वो गल है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस है ना, मतलब उन्हां दे हाथ च है ना सारा सिस्टम, सरकार दे हाथ च हैगा, वो चाहते नहीं है भी सच्चाई सामने आवे तो उन्हों की पोल खोले है ना। ऐसी कौन सी सच्चाई है जिसको दबाने के लिए एक मूवी के रिलीज तक को भी रोका जा रहा है? Then I'll tell you। जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस फेक एनकाउंटर्स में लोगों को मार रही थी, तो वो खुद अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रहे थे। इट्स वेरी ऑब्वियस कि उनको ऊपर से ऑर्डर दिया गया था, वरना ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने सारे लोगों को पुलिस ऑफिसर्स मार दें, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय समवन इन पावर। सो ये जो मास मर्डर था बहुत ही प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट किया गया और इसे छुपाया भी गया, एंड इट्स वेरी ऑब्वियस कि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी थी। सो ये फिल्म काफी बड़े सवाल खड़े करने वाली है। सवालों के साथ साथ ये मूवी अवेयर भी करेगी कि जिन लोगों ने 30 साल पहले अपने फैमिली मेंबर्स खोए हैं उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला, इसी वजह से इसके रिलीज को रोका जा रहा है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये फिल्म बैन नहीं हुई है, आज नहीं तो कल ये रिलीज हो जाएगी, और ये चीज फिल्म के क्रू मेंबर ने ही रिवील करी है। इसीलिए मैं आपको और ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप पूरी मूवी देखें और वहीं से आपको डिटेल्ड स्टोरी पता चले। आज के टाइम पे ऐसे टॉपिक्स पे मूवीज बनाना कोई कम ब्रेवरी वाली बात नहीं है, सो वी हैव टू सपोर्ट दिस फिल्म, बस यही बोलूंगी। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय। सो भाई यह सी वीडियो तो यार जेमी ने बहुत वधिया इनफॉरमेशन दिती है ना, बहुत टू द पॉइंट गल की आ। तो जे आप फिल्म बारे गल करिए तो बई जल्दी आप फिल्म देखने मिल सकती आ, तो जितों तक मैं लगता यार सीन कट्टने तो पैणगे ज़्यादा नहीं, जे 20-21 सीन नहीं तो घट्टो घट 5-7 सीन तो कट्टने पैणगे ही, क्योंकि बई उ गल आ जाती है ना, फिर भी मतलब जिदा राज है है ना, वो दिखाना नहीं चाहते ये चीज़ में सच्चाई में सामने लियाना नहीं चाहते, तो फिर आप कर सकते हैं। फिर दूजे नंबर पर लोग कह दें कि भी सिख गुलाम नहीं है ना, तुम कहने कहें भी सिख क्यों कहें भी असी गुलाम आ, वो इस करके कहें बई है ना, जो आपकी गल रखण का ही नहीं किसी मौका देंगे है ना, तो फिर वह बंदा तो कहूगा ही है ना भी यार गुलामी वाला काम ही है ना, जो मैं बोलन का ही नहीं, की डेमोक्रेसी रह गई, की लोकतंत्र रह गया वो। तो चलो जो भी है यार बंगा ने बहुत वधिया काम किया, बहुत वधिया फिल्म बनाने की कोशिश की हैगी, तो यह जिहा स्टोरियां जेडे अपने रियल हीरो आ गए इन्हां ते फिल्म बननी चाहिए आ। तो जितों तक मेरा मनना भी हाँ जिहड़े गैंगस्टर बायोपिक बन रही, सो वो भावें ना बन यार आप कहने भी यह जिहड़े बंदे आ गए जिहड़े अपने रियल हीरो आ है ना, इन्हां दियां बायोपिक बननियां चाहीदियां, ते आपां नूं सपोर्ट भी करना चाहिए पूरा फुल बई।
ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਜਿਮੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਥੱਲੇ ਯਾਰ ਜਿਮੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਕੁੜੀ। ਸੋ ਬਸ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਗਾਈਸ। Give me your mic without a wire. Signs steadily, signs steadily.